वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, हमारे 4000 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना समय गवाए। अगर आप मेरे चैनल पर फ्रेंड्स नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और पुराने हैं तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस विच लीवर एंजाइम इज मोर स्पेसिफिक टू चेक। ऑप्शन इस प्रकार है, ए ALT, बी AST, सी ALP एंड डी बॉथ, ए एंड बी बॉथ। तो जो ALT होता है, वो ALT एलेलाइन ट्रांसमिनेज होता है, जो अधिकांश लीवर में पाया जाता है, और जब लीवर डिमेज होता है तब यह ब्लड स्ट्रीम में आता है। और AST जो होता है, एस पेरेट एमिनो ट्रांसफेरेज होता है, ये भी लीवर में पाया जाता है, किंतु अधिकांश मसल्स में पाए जाते हैं। जब मसल्स डैमेज होते हैं तब यह ब्लड में पाया जाता है। और ALP अल्कलाइन फॉस्फेट। तो इस तरीके से इसमें जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, तो वो लीवर एंजाइम जो मोस्ट स्पेसिफिक चेक होता है, वो होता है ALT। ALT मीन्स एलेनाइन ट्रांसमिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, या क्वेश्चन नंबर 52 बोलेंगे फ्रेंड्स, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है, एंड 4000 क्वेश्चन का टारगेट नंबर 52 क्वेश्चन नंबर। एंड द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इंटू लैक्टेट आर पायरुवेट इज कॉल्ड। तो जो ग्लूकोज का कन्वर्जन्स होते हैं, या ग्लूकोज का जो जब पाचन होता है तो वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोलिसिस, बी ग्लाइकोपेनेसिस, सी ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड डी ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको लैक्टेट या फिर पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको ग्लाइकोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रेड सेल विच आर टू बी टेस्टेड एंटी ग्लोबुलिन रिजेंट वी आर वॉश्ड टू। ऑप्शन नंबर ए, रिमूव ट्रेस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, बी वॉश अवे ट्रेस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन, सी रिमूव अनबाउंड सीरम ग्लोबिन, डी एक्सपोज एडिशनल एंटीजन साइट्स। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी, रिमूव अनबाउंड सीरम ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द फेलुअर ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स टू डेवलप बैंड आर टू लोब्ड स्टेज इज करेक्टाइटिस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, बेयरनार्ड सोलियर सिंड्रोम, चेडियक हिगेसी सिंड्रोम, मे हेगलिन एनोमली एंड पेगलर ह्यूट एनोमली। एंड करेक्ट आंसर नंबर डी, पेगलर ह्यूट एनोमली। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एन एलिवेटेड यूरिन यूरोबिलिनोजेन एंड निगेटिव टेस्ट फॉर यूरिन बिलिरुबिन मे इंडिकेट विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, एक्यूट हेपेटिक टॉक्सिसिटी, बाइलरी एब्स्ट्रक्शन, हिमोलाइटिक डिजीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI। एंड करेक्ट आंसर नंबर सी, हिमोलाइटिक डिजीज। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमीटरी इज द विजिबल रेंज ID, डाइडी मियम लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प या फिर टंगस्टन लैम्प। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वह है टंगस्टन लैम्प। नेक्स्ट, ए राइस वाटर स्टूल इज करेक्टराइटिस ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड विथ। किससे इन्फेक्टेड होते हैं, तो राइस वाटर अर्थात चावल के पानी के जैसे मल होता है, क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, साल्मोनेला टाइफी, सिजेला डिसेंट्री एंड बाइब्रो कोलेरा। एंड जो करेक्ट आंसर होता है वह है विब्रियो कोलेरा के कारण दस्त या राइस वाटर स्टूल होता है। नेक्स्ट, द मेजर आयरन स्टोरेज कंपाउंड्स इज
हीमोसोडियम फेरेटिन साइड्रोटिक ग्रेनुलस एंड ट्रांसफेरिन। तो जो आयरन का स्टोरेज होता है मेजर या विस्तृत रूप में, तो वह फेरिटिन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्रोटीन फ्रैक्शन दैट माइग्रेट्स मोस्ट रैपिडली टुवार्ड एनोड इज एल्बुमिन, बेटा, गामा, अल्फा वन। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए, एल्बुमिन। नेक्स्ट, लोफलर्स मीडियम इज यूज एज अ प्राइमरी आइसोलेशन मीडियम फॉर, ऑप्शन नंबर ए बॉर्डेटेला पर्टुटिस, बी कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थरी, सी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एंड डी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थरी, लोफलर्स मीडियम इसके लिए यूज किया जाता है और इसको लोफलस बेसलाई के नाम से भी जाना जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोफलस बेसलाई किसे कहते हैं, तो कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थरी को लोफलस बेसलाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ट्रोफोजोइट्स इज सस्पेक्टेड इफ इंजेस्टेड रेड सेल आर सीन इन अ सेलाइन वेट प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर ए एंट अमेबा कोलाई, बी एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका, सी एंडोलिमैक्स नैना एंड ट्राइकोमोनास वेजिनिलेस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट, मल्टीपल माइलोमा में भी सस्पेक्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ऑन अ पेरिफेरल स्मियर, ऑप्शन नंबर ए बैसोफिलिक स्टिपलिंग, बी ब्लास्ट सेल, सी हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स एंड डी रूलेक्स। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर अ डायबिटिक पेशेंट्स लॉन्ग टर्म कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, बी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, सी फास्टिंग ब्लड शुगर एंड डी पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स के लिए उसका मॉनिटर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज टाइपिकल ऑफ कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ऑप्शन नंबर ए कैटलेज निगेटिव नॉन मोटाइल ऑप्टिमल ग्रोथ एंड एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी ऑप्टिमल ग्रोथ एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिकोसाइट्स काउंट विल इंक्रीज इन पैरासाइटिक एंड एलर्जिक रिएक्शंस, ए न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट, सी इसिनोफिल्स, डी बेसोफिल्स। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी इसिनोफिल्स। नेक्स्ट, इंटरोबियस वर्मिकुलरिस इन्फेक्शन इज यूजली डायग्नोज्ड बाय फाइंडिंग एग फ्रॉम सेलुलोज टैप प्रिपरेशन या कॉन्सेंट्रेट स्टूल सैंपल, आयोडीन वेट माउंट सेडिमेंटेन स्टूल सैंपल। इसके लिए जो यूज किया जाता है वह सेलुलोज टैप होता है, जो सेलुलोज टैप को एनस में चिपका दिया जाता है, इसके बाद उसमें उसके एग चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्लाज्मा सेल इन्वॉल्व इवॉल्व इन विच सेल लाइन, लिम्फोसाइटिक, बी मोनोसाइटिक, सी मायोलाइट्स माइलोसाइटिक एंड डी मेगा माइलोसाइटिक। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज अ लिम्फोसाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द बायोरेट मेथड ऑफ डिटरमिनिंग सीरम टोटल प्रोटीन इज डिपेंडेंट अपॉन, ऑप्शन नंबर ए अमीनो एसिड कंटेंट, बी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सी नाइट्रोजन कंटेंट, डी प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टराइटिक इज मोस्ट यूजफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग साइट्रोबैक्टर एंड साल्मोनेला? ऑप्शन नंबर ए H2S प्रोडक्शन, इंडोल प्रोडक्शन, लाइसिन, डी कार्बोजिलेज एंड डी यूरियाज प्रोडक्शन। एंड करेक्ट आंसर नंबर सी, लाइसिन डी कार्बोक्सी लेस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्रेग्नेंट वुमेन आर टू अवॉइड क्लीनिंग लिटर बॉक्सेस ऑफ देयर हाउस कैट्स अंटाइल आफ्टर डिलीवरी टू प्रिवेंट कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन फॉर? ऑप्शन नंबर ए एंसिलोटोमा, केनियम, बी जियार्डिया लैम्बिया, सी डी फाइलो बोथिरम लेटियम एंड डी टॉक्सो प्लाज्मा गोंडी। एंड करेक्ट आंसर नंबर डी टॉक्सो प्लाज्मा गोंडी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम एंड जीएन प्लेटलेट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स? ऑप्शन नंबर ए बर्नार्ड्स सोलियर सिंड्रोम, ग्लेंजमैन्स थ्रोम्बो बेथेनिया, वॉन विल ब्रेन डिजीज एंड विस्कॉट एल्ड्रिज सिंड्रोम। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अनदर नेम ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ? ऑप्शन नंबर ए इननेट इम्यूनिटी, बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सी एडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड डी सेलुलर इम्यूनिटी। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए इननेट इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज अ यूरिन प्रिजर्वेटिव? यूरिन को संरक्षित करने वाला प्रिजर्वेटिव के रूप में इनमें से कौन सा एक यूज किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, बोरिक एसिड, ग्लूटरल्डिहाइड एंड पिक्रिक एसिड। एंड क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर नंबर इज बी, जो बोरिक एसिड है उसको प्रिजर्वेटिव, यूरिन प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोप्स फिटेलिस मीन्स वन डेल्टेड अल्फा जीन्स, टू डेल्टेड अल्फा जीन्स, थ्री डेल्टेड अल्फा जीन्स एंड फोर डेल्टेड अल्फा जीन्स। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी फोर डेल्टेड अल्फा जीन्स। क्वेश्चन नंबर 76, वैल्यू ऑफ द कंट्रोल दैट कंटिन्यू टू एदर इंक्रीज आर डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव डेज इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट, बी ट्रेंड, सी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डी को एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर इज द सॉरी एक्स फैक्टर नहीं फ्रेंड्स, यहाँ 10 फैक्टर्स एंड 5 फैक्टर इज द कैरेक्टराइटिस ऑफ विच बैक्टीरिया? ऑप्शन नंबर ए हीमोफिलस, ब्रुसेला, लेग्योनेला एंड साल्मोनेला। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए हीमोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज एन इंडिविजुअल टू रिजेक्ट अ ब्लड डोनर प्लस ऑफ 95, 13 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन इज 50 एंड ब्लड प्रेशर 182/120 mm ऑफ मरकरी? तो फ्रेंड्स इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ऑफ इंडिविजुअल टू रिजेक्ट अ ब्लड डोनर? तो ब्लड डोनर को जो 120 सॉरी 180 बाई 120 mm मरकरी जो ब्लड प्रेशर है उनको रिजेक्ट किया जाएगा, और साथ ही फ्रेंड्स जो एज 67 तक का दे सकते हैं, 95 दिया हुआ है इसको भी मतलब ब्लड डोनर रिजेक्ट किया जा सकता है, किंतु अभी इसका आंसर हम अगर कंफर्म अगर देखा जाए तो डी को मान रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन फिर से मैं नीचे कमेंट्स में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, और आप भी नीचे मेरे को कमेंट जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम अ रेट ऑफ
सिंथेसिस एबनॉर्मली, ऑप्शन नंबर ए वेस्टा थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन सीसी डिजीज, हीमोग्लोबिन लेपोर सिंड्रोम एंड सिकल सेल डिजीज। तो निम्न में से किसमें जो रिजल्ट होता है सिंथेसिस एबनॉर्मल आता है, तो ये होता है सिकल सेल डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यून मीडिएटेड कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्लेटलेट काउंटेड फाउंड प्राइमरी इन चिल्ड्रेंस, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी में हेगलिन। नेक्स्ट, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन द कंडीशन इज कॉल्ड एज पोल्यूरिया, ओलिगोरिया, एनूरिया एंड नॉक्टूरिया। तो जो एबनॉर्मल होता है जो 2000 ml से ऊपर होता है उसको पोली यूरिया कहते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में होना, इंक्रीज लेवल जो होता है एबनॉर्मल तो पोली यूरिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स प्रेजेंट ऑन द डिपिस्टिक यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन, यूरोबिलिनोजेन। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो डिपिस्टिक यूज किया जाता है वो किसके मेजर के लिए किया जाता है, तो जो होता है वो कीटोन बॉडीज के लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, मेजर्स लाइट दैट इज स्कैटर्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स एट राइट एंगल टू द बीम इंसिडेंट ऑफ द क्यूवेट इन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोमेट्री, टर्बिडी मैट्री, नेफे लोमेट्री एंड ऑस्मोमेट्री, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज नेफेलोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मेथड ऑफ द फिजिकल सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑफ देयर लॉनिक चार्ज एंड मॉलिकुलर साइज इज प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी फ्लोरोमेट्री एंड डी ऑस्मोमेट्री, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही सिकल सेल डिजीज का कंफर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूसिंग ग्लूकोजेन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल एंड एपिनेफ्रिन, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए ग्लूकोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल शो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट, हेपेटाइटिस, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड बॉथ टू एंड थ्री, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बॉथ टू एंड थ्री। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में एल्कलाइन फॉस्फेट फॉस्फेट जो होता है उसका वैल्यू इंक्रीज या बढ़ा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज मेंटेन इन बॉडी बाय पैराथायराइड ग्लैंड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो किसका मेंटेन रखता है, लेवल को मेंटेन रखता है, तो वो होता है कैल्शियम पैराथायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट, डायरेक्ट बिलिरुबिन इज आल्सो कॉल्ड एज अनकंजुएटेड बिलिरुबिन, कंजुएटेड बिलिरुबिन, वाटर सोल्युबल बिलिरुबिन या फिर बोथ टू एंड थ्री। तो इसका करेक्ट आंसर है टू एंड थ्री, कंजुएटेड बिलिरुबिन या फिर वाटर सोल्युबल बिलिरुबिन कहलाता है दोनों। इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल इन सीन इन विच सिंड्रोम, ए एडिसन डिजीज, बी क्यूशिंग सिंड्रोम, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी क्यूशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन एन मेनिंजाइटिस एंड एन गोनोरिया इज दैट एन मेनिंजाइटिस फर्मेंट्स ओनली ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज, एंड करेक्ट आंसर नंबर बी माल्टोज। नेक्स्ट, चिन्स लेटर अरेंजमेंट मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल्स, टेलुराइड्स, हाइड्रोलाइसिस एंड इलेक्ट टेस्ट इज करेक्टराइटिक ऑफ विच बैक्टीरिया, ए लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस,
बी बेसिलस एंथ्रेसिस, सी कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थरी एंड डी मोरेक्सला कैटरेलिस। एंड करेक्ट आंसर नंबर सी कॉर्नोबैक्टीरिया डिप्थरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूरियाज पॉजिटिव, इंडोल पॉजिटिव एंड एच टू एस पॉजिटिव, प्रोटियस, स्टीरिया, सालमोनेला या फिर सीजेला। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए प्रोटियस। नेक्स्ट, सी गुल अपियर्स इन करेक्टराइटिस ऑफ विच बैक्टीरिया, कैंपिलोबैक्टर, जेजुनी, बाइब्रो कोलेरा, ई कोलाई या सालमोनेला। ये होता है कैंपिलोबैक्टर जेजुनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्टैंड विच सिल्वर इम्प्रेगनेशन कैन बी सीन बाय डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ट्रेपोनेमा पेलेडम, हीमियोपैथिक इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस एंड स्पाइरिलम माइनस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए ट्रेपोनेमा पेलेडम। नेक्स्ट, लोवेंस्टाइन जेंसन जिसको एलजी मीडियम कहते हैं इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेपिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर नाइजीरिया या माइकोबैक्टीरिया। तो लोवेंस्टाइन जेंसन्स जो होते हैं एलजी जो मीडियम होता है वो माइकोबैक्टीरिया के लिए ग्रोथ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ए कॉज ऑफ एक्यूट फैक्टिस इनफेंटाइल डायरिया इज हेंटावायरस, एचआईवी, रेबडो वायरस या फिर रोटा वायरस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्पेसिमेन फॉर वायरल कल्चर शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन, ऑप्शन नंबर ए एन एरोबिक कंटेनर, बी बोविन एल्ब्यूमिन, सी न्यूट्रिएंट मीडियम विथ एंटीबायोटिक एंड डी सीप ब्लड। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी न्यूट्रिएंट्स मीडियम विथ एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 98, इन ऑर्डर टू प्रूव ए ईस्ट इज डिमॉर्फिक विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड, कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन, ग्रोथ ऑन कॉर्न मिल अगार, इनक्यूबेट ईस्ट सबकल्चर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यूरियस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी इनक्यूबेट ईस्ट सब कल्चर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 99, द इनफ्रैक्टिव स्टेज फॉर स्ट्रॉन्गली लोइड्स स्ट्रो रैलिस। एंड ऑप्शन नंबर ए वा फाइलेरिया फ्रॉम लार्वा, रेबडी टी फॉर्म लार्वा एंड फ्री लिविंग एडल्ट। करेक्ट आंसर नंबर इज बी फाइलेरिया फ्रॉम लार्वा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ह्यूमन इनगेस्ट द एग ऑफ टेनिया सोलियम, दे मे डेवलप, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रेटेड डिजीज, बी स्प्रे गिनोसिस एंड सी ट्राई चिनोसिस एंड डी सिस्टी सिरोसिस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 100 का पूरा, और इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ से आप हिस्टोपैथोलॉजी के एमसीक्यूज और एमएलटी एग्जाम, एएसपीआई का एग्जाम का एमएलटी प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो एमएलटी अड्डा, मेडिकल ट्यूबर, FAW2, तीनों मेरे चैनल हैं, तीनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों को आपको अलग अलग कैटेगरीज के वीडियोज देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।